थम्सअप लीजिए। अच्छा 5 मिनट और बैठ जाओ तो थोड़े कुछ गड़बड़ा जाए। ध्यान दो, ये वही पिक्चर है जिसको वेब पेज में हम यूज कर रहे हैं। ध्यान दो, अगर इसके साइज को यहाँ से कंट्रोल करते हैं पिक्चर आपकी खराब हो गई। हाँ या ना? चलिए, मतलब वर्टिकल कर रहे हैं तो पिक्चर खराब हो जा रहा है, हॉरिजेंटल कर रहे हैं तो भी खराब हो रहा है, पिक्चर का ओरिजिनल लुक खराब हो रहा है। ऐसा क्या करें कि मेरा तस्वीर छोटा भी हो जाए और पिक्चर का लुक खराब नहीं हो? डायग्नोलियल कोने से, क्या बोलते हैं, डायग्नोलियल, यहाँ से कीजिए, पिक्चर छोटा होगा पर तस्वीर खराब नहीं होगी। गोज आउट। आप इस चीज को यहाँ मैनेज करते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसका भी साइज कितना रखा था, 300, और इसका भी साइज क्या रखा, वेब पेज की बात कर रहा हूँ, 300, ठीक है। इसका आउटपुट एक सही सिस्टमेटिक ऑर्डर में आ रहा है। अब आपने क्या किया, एक को रखा 50 और एक को रखा 30, आपकी तस्वीर खराब आएगी। वजह क्या है, इसका मतलब ये टारगेट ये हुआ कि आपके हाइट और विड्थ आपके पिक्चर के अकॉर्डिंग बैलेंस होनी चाहिए। हम राइट और रॉन्ग तब होगा। अब इसको अगर तो सबसे एवरेज साइज हम लोग मानते हैं 150, और इसको भी 150, इतना बड़ा कि आपको थंबनेल मिल जाए। थंबनेल समझ में आता है, यूट्यूब में जो फोटो दिखाई देता है ताकि इतना ही बड़ा, आप जब अपने गैलरी में जाते हैं तो आपको इतना ही बड़ा बड़ा इमेज दिखता है, उसको रखना है या डिलीट करना है, दैट इज नोन एज थंबनेल। यूट्यूब पर भी आप थंबनेल डालते हैं, जिस थंबनेल को लेकर के सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हैं, ट्रैफिक गेन होती है। आई एम राइट? सो दैट इज द एवरेज साइज ऑफ 150। 100 भी रख के देख लो, ये आपको अब देखना है, आपको लैब करना है, आपको प्रैक्टिकल करना है कि आप कितना साइज मेंटेन करोगे। लेकिन मेरे ओपिनियन में आपको साइज ये थंब, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प साइज या पासपोर्ट साइज। अब इसके बगल में भी एक तस्वीर ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम उठाओ, पेस्ट करो। अब करना क्या है, फोल्डर में जाओ, दूसरी तस्वीर थी, एडिट मोड में जाओ, कॉपी करो। क्रिकेट पर या पॉलिटिशियन पर कुछ बना रहे हैं तो रेडी होगा। किसको किसको अपना फोटो हंस रहा है, इसीलिए हंस रहा है। ज्यादा टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। नीचे चाहिए तब भी आई यूज कीजिए।